जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रानी नगर जो BSF का कैंप है वहाँ पे जाने के लिए सुविधा की कौन कौन सी ट्रेन है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो पटना से और जलपाई न्यू जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेन है, तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी अच्छी ट्रेन है और क्या कैसे कैसे कितने बजे जाकर छोड़ेगी, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं वेयर इज माई ट्रेन पे। तो यहाँ पटना जंक्शन से हम दिखा रहे हैं, अगर जहाँ से आपको जाना है वहाँ पे फ्रॉम स्टेशन पे आप लोग लिख दीजिएगा जंक्शन का नाम जो भी रहेगा, स्टेशन का नाम आपको लिख देना है। वहाँ के बाद आपको न्यू जलपाईगुड़ी नीचे में टू लिख देना है, यहाँ पे सर्च करते हैं। तो ये काफ़ी बहुत सारी ट्रेन है जिसमें कि मैं आप लोगों को बेस्ट ट्रेन बताता हूँ जो कि सबसे पहले मतलब छोड़ देगी और अच्छे टाइमिंग पे छोड़ेगी। तो देखते हैं, ये सबसे अच्छी ट्रेन ये है कामाख्या कैपिटल एक्सप्रेस। ये आपको 11 बजे रात को है जो कि पटना से नहीं मिलेगी दोस्तों, ये राजेंद्र नगर से मिलेगी आप लोगों को। ये मत समझिएगा कि पटना से आएगी, ये राजेंद्र नगर से जो कि पटना से एक स्टेशन एड गेट मतलब आगे पीछे है। तो आप लोग ये ध्यान दे रखिएगा कि पटना से नहीं है ये। उसके बाद ये आपको छोड़ देगी 11 बजे सुबह में वहाँ पे, मतलब मॉर्निंग के टाइम 11 बजे दोपहर में छोड़ देगी आपको वहाँ पे, जो कि कहाँ पे ये जलपाईगुड़ी जाएगी कि देखते हैं वो भी, ये जलपाईगुड़ी तक जाएगी या सिलीगुड़ी जाएगी, तो वेट कीजिए आप लोग, देखते हैं ये कहाँ तक जाती है। ये सिलीगुड़ी तक जाएगी, तो ये आप लोग वहाँ से चेंज कर सकते हैं, जलपाईगुड़ी जा सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारा ट्रेन है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, इसका नंबर याद कर लीजिए जो कि कामाख्या कैपिटल है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये ट्रेन संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को है। उसके बाद आपको साप्ताहिक ट्रेन है, ये 4 दिन साप्ताहिक में है और 3 दिन नहीं है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये दिल्ली है, ये आप लोगों को रोज मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये गुवाहाटी गुवाहाटी क्रांति एक्सप्रेस, इससे भी आप लोग जा सकते हैं, इसका भी स्टॉपेज बहुत ही कम है और ये भी अच्छी ट्रेन है जो कि शाम को आप रात को पहुंचा देगी वहाँ पे। और पाटलिपुत्रा से ये मिलेगी जो कि पाटलिपुत्रा है 2 बजे के समथिंग, यहाँ से आप लोगों को पकड़ लेना है इसको ये, और वहाँ पे छोड़ देगी 10 से 11 बजे के एटगर में। तो आप लोग ये भी अच्छी ट्रेन है, इससे भी जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रेन है। तो ये आप लोगों को ये मैं बता दूं जो है गुवाहाटी क्रांति, इससे आप लोग ये पटना से नहीं मिलेगी, ये पाटलिपुत्रा से मिलेगी दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं पाटलिपुत्रा जंक्शन से मिलेगी जो कि पटना के एक दो स्टेशन आगे पीछे है। ये लोग आप लोग ध्यान देकर चलिए चलिएगा। तो और बहुत सारी ट्रेन है, तो इस वीडियो में हम इतना ही दिखाएंगे और आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को और सारा वीडियो मिलेगा जिसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। तो जय हिंद दोस्तों, चलते हैं।